मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग, हम है राही रुकते नहीं, इतना है दम थकते नहीं, खुमार दिल में हम प्रभु के संग, मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। फैलाएंगे किरणें शांति शक्ति की, हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी, चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन, चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन, पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन, पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन, है एतबार जो प्रभु को पसंद, हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई, तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई, भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला, भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला, प्रभु से मिली मन की मंजिल, कहता यही हमारा दिल, आई बहारी ये तरंग, मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग, हम है राही रुकते नहीं, इतना है दम थकते नहीं, खुमार दिल में हम प्रभु के संग, मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। ओम शांति। तिब्बत के एक महान योगी और फकीर मारपा ने अक्सर अपने प्रवचनों में एक कहानी का वर्णन किया है। उसने लिखा है, किसी पहाड़ी क्षेत्र में मरते हुए एक पिता ने अपने दोनों बेटों को बुलाया, एक बड़ा एक छोटा बहुत, और कहा कि मेरे पास 100 घोड़े हैं, क्योंकि उनका धंधा ही घोड़ों का था, लोगों की सवारी ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर तक कराना। वो कहता है बड़े बेटे से कि तुम बड़े हो समझदार हो, और मेरे जाने के बाद आपस में ये बांट लेना, और तुम जैसा बांटना चाहो, ध्यान रखना अपने भाई का। पर पिता मर जाते हैं, बड़ा बेटा सोचता है कि ये छोटा भी बहुत छोटा है, तो उसको वो एक घोड़ा देता है और अपने पास 99 रख लेता है। लोग कहते हैं ये क्या है, ये तुमने कैसा फैसला किया। वो कहता है अभी वो छोटा है ना, कैसे इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभाल पाएगा।
तो वो 99 रख लेता है और अपने छोटे भाई को एक घोड़ा। धीरे धीरे छोटा भाई भी बड़ा हो जाता है और एक घोड़े के साथ बहुत खुश है, पर जो बड़ा है वो हमेशा दुखी है, वो हमेशा चिंतित है। कभी कोई घोड़ा बीमार पड़ता है तो कभी कोई दूसरा, कभी डर है कोई घोड़े को कोई चुरा ना ले जाए, कभी डर है घोड़ा कहीं भाग ना जाए। अस्तबल है बड़ा सा, उसकी देखभाल, उसके नौकर, कभी नौकर आता है कभी नहीं आता है, निरंतर परेशान। और छोटा एक ही घोड़ा है, एक ही घोड़े के साथ लोगों की सवारी पहाड़ों पर कराता है, आता है, खुश रहता है, घोड़े को खिलाता है, खुद खाता है और संतुष्ट है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई नौकर रखा है, ना घोड़े के भागने का कोई ज्यादा भय है, भय तो है पर बहुत नहीं। बड़ा भाई एक बार छोटे के पास आता है, कहता है कि देख तुम्हारे पास एक ही घोड़ा है, मेरे पास 99, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, वो एक घोड़ा भी मुझे देते हो, दे दो, क्योंकि ये 99 सेंचुरी नहीं है ना, जब तक वो पूरा होल फिगर कंप्लीट फिगर नहीं आता है मजा नहीं आता है। हमारे पिता की कितनी प्रतिष्ठा थी, मान था, मेरा भी तो होना चाहिए कि नहीं, और तुम तो अभी एक क्या नहीं भी रहा तो तुम्हारा चल जाएगा गुजारा। तो वो कहता हाँ बिल्कुल, आप ये भी रख लो, मुझे तो चाहिए ही नहीं। तो अब उसके पास बड़े के पास 100 घोड़े आ जाते और 100 घोड़े के आने के साथ और दुख बढ़ जाता है और परेशानी बढ़ जाता है और ज्यादा बीमार रहने लगता है। और छोटा जो है वो तो अब खुद ही घोड़ा बन गया, लोगों को खुद अपने पीठ पर बिठा बिठा के सवारी कराता है, अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, वो जो थोड़ी बहुत चिंता थी जो घोड़े की वो भी नहीं है, अभी खुद ही मस्त रहता है अपनी रूहानी मस्ती में मगन, खुद कमाता है खुद खाता है, उसे अब कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और बड़ा अब अधिक से अधिक परेशान रहने लगा है, एक भी यदि कम हो जाए तो चिंता होती है, एक भी अगर वापस लौट के नहीं आता है तो चिंता होती है। तो जितनी चीजें ज्यादा उतनी चिंता ज्यादा, जितनी चीजें कम उतनी खुशी ज्यादा। वस्तुओं का और खुशी का इनवर्स प्रोपोर्शन है, जितनी संसारिक प्राप्तियों के पीछे मन पागल है उतना बहुत चिंतित है। मारपा ने कहा ऐसे दो ही किस्म के लोग हैं बस दुनिया में, एक पहले और दूसरे, दूसरे वो जिन्होंने जिनकी खुशी इस संसार में नहीं कुछ और चीजों में, और एक वो लोग जिनकी खुशी संसार की वस्तुओं में है, और उन संसार की वस्तुओं को पाते पाते वो दुखी रहते हैं और एक दिन उसी खोज में उसी चाहत में मर जाते हैं, थक जाते हैं। और जो इन सब चीज से फारिग है वो खुश रहते हैं। और यदि इस खुशी में भगवान मिल जाए, भगवान का साथ, तो फिर क्या कहने। मन में है तन में है बस यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग, हम है राही रुकते नहीं, इतना है दम थकते नहीं, खुमार दिल में हम प्रभु के संग। कौन सी खुमारी है, कौन सा खुमार है, कौन सा नशा है, कौन सी मस्ती है कि हमारे साथ कौन है, स्वयं खुदा है, स्वयं इलाही मस्ती है, ये ईश्वरीय इलाही अलौकिक खुदाई मौलाई नारायणी नशा है, मस्ती है, रुहाब है कि हम किसके संग है, प्रभु के संग है। बस इतना विश्वास कि हमारे साथ वो है, आज की मुरली में है, चाहे दुनिया वाले कोई भी बातें करे, सुना अनसुना कर दो और अपनी मस्ती में मस्त रहो, सुना अनसुना कर दो और अपनी मस्ती में मस्त रहो। अरे तुमको मिला कौन है,
कोई कोई बच्चों को खुशी रहती है और खुशी में क्या कहते हैं मंजू में, ओहो क्या कहते हैं, हमको परमपिता परमात्मा मिला, उससे हम वर्षा ले रहे हैं आज की साकार मुरली, बहुत खुश रहते हैं। कारून का खजाना तुमको मिला है, तुम्हारी खुशी कापारी होनी चाहिए। हम क्या बनते हैं ये सोच कर ही खुश रहो। फैलाएंगे किरने शांति शक्ति की, हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी, चंदन सा महके हरेक मन, करके तपस्या बने पावन। मन कैसे महक जाए, चंदन सा सुगंधित वो सौरभ मन में आ जाए, वो आएगा गुणों से। आज की साकार मुरली, तुम्हें गुण धारण करने हैं और जो गुणवान है वही दूसरों में गुण फूंक सकते हैं, और जो अवगुण वाले हैं उनसे क्या करना है, किनारा कर लेना है, उनसे दूर रहना, बात ही नहीं करना, देखना भी नहीं उनकी तरफ, ऐसे कर लेना। तुम्हें दूसरों के अवगुण देखने ही नहीं, अवगुणों से दूर होते जाओ, जो गुणवान है केवल उनका संग करते जाओ, गुण धारण करते जाओ, गुणवान बनो। जैसे दत्तात्रेय का उदाहरण दिया, फैलाएंगे किरणें शांति शक्ति की, शांत रहना है। ब्रह्मा बाबा के डैडी का उदाहरण है आज की मुरली में, कि शिक्षक था और कैसा था, शांत था, नम्रचित था। और कोई कोई भक्त भी इतने सयाने होते हैं कि ज्ञानियों से भी ज्यादा शांत रहते हैं, ज्ञानी हलचल करते हैं, ज्यादा ही हलचल करते हैं बहुत। एक भाई ने कभी अनुभव सुनाया था कुछ सेवा केंद्र के भाई बहन, वो अस्पताल में काम करता है, तो उनको कुछ चेकिंग करानी थी। वो भाई बहने आए बैठे, तो डॉक्टर बिजी थे अंदर, तो वो बैठे रहे वेटिंग, और इसमें इतने में एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया और वो सीधा अंदर चला गया। वो कहते हैं ये अंदर चला गया, हम इतने देर से बैठे, तो उन्होंने कहा ये इमरजेंसी है, तो क्या हम इमरजेंसी नहीं है, क्या हम क्या कम बीमार है। कोई कोई ज्ञानियों से भक्त ज्यादा सयाने होते, ज्यादा शांत होते, ज्यादा नम्रचित होते हैं। दोनों को याद किया बाप मैंने, भक्तों को और अपने ब्रह्मा बाप के बाप को। बाप ने ब्रह्मा के बाप को याद किया। फैलाएंगे किरने शांति शक्ति की, हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी, सभी की ज्योति बुझी हुई है, ये काम हमारा है, हरेक की ज्योति जगाना है, ज्ञान से, पवित्रता से। आज की मुरली में काम सबसे बड़ा शत्रु है, आज की मुरली में काम महाशत्रु है, सबसे कड़ा शत्रु है, सबसे खराब है। कोई कोई प्रतिज्ञा करते और फिर गिर पड़ते हैं, प्रतिज्ञा करने के बाद भी गिर पड़ते हैं। जो इसको जीतेगा बस वही विश्व की राजाई को प्राप्त करेगा। बाप अनुभवी है, बाबा को पता है कितना कड़ा दुश्मन है ये। तो प्यूरिटी की ज्योति जगानी है। पुलकित धरा पुलकित गगन, करे चंदन सा महके हरेक मन, करके तपस्या बने पावन। बिना तपस्या के प्यूरिटी आ ही नहीं सकती, केवल प्रतिज्ञा से प्यूरिटी नहीं आती है। प्रतिज्ञा तो शुरुआत है, उसके बाद में तपस्या है। उस प्यूरिटी को मेंटेन करने के लिए तपस्या चाहिए, क्योंकि प्यूरिटी एक दिन की साधना नहीं है, निरंतर सतत साधना है ब्रह्मचर्य, क्योंकि यह विकारी वायुमंडल है। यह छी छी दुनिया, इस दुनिया से तुम्हारी दिल हट जानी चाहिए आज की मुरली में। इस दुनिया से दिल एकदम हट जाए, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है यहां का, तमो प्रधान दुनिया है, एकदम मुंह फेर लो ऐसे, दुनिया इधर हम इधर, अच्छा नहीं लगता है, हटो यहां से। एतबार हो प्रभु को पसंद, एतबार है, विश्वास है, निश्चय है कि प्रभु पसंद है। पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन। तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई, भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला।
प्रभु से मिली मन की मंजिल, कहता यही हमारा दिल, आई बहारे ये लेके तरंग, मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग, बाप आए हैं बदला देते हैं बाप सब कुछ, क्या करते हैं बदला देते हैं सब कुछ, आज की मुरली में सब बदल देते हैं, परिवर्तन, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग, हम है राही रुकते नहीं, तुम्हारी मुसाफिरी है ये, आज की मुरली में तुम याद के राही हो, याद की यात्रा है तुम्हारी, हम है राही, कैसे राही है अथक, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है, हार नहीं मान जानी है, गिर न जाना नहीं है, अगर गिरे तो फिर उठो और फिर चलने लगो, क्योंकि प्रभु का है संग, हम है राही रुकते नहीं, इतना है दम, कितना दम है कि बात मत पूछो, इतना दम है कि आसमानों पर जाकर दहाड़ लगाएंगे, खुमार दिल में है प्रभु के है संग, मन में है तन में है यही उमंग, तो इसी खुशी में और इसी नशे में रहना है, सदा इसी स्मृति में रहो, हम क्या बनते हैं, तो रूहानी नशा, रूहानी खुमारी हमेशा चढ़ी रहे, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जैसे नानक कहते हैं कि मुझे दिन रात खुमारी चढ़ी रहती है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वैसी खुमारी वैसा नशा हमें भी चढ़ा रहे। तो आज ब्राह्मणों के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, भगवान से मिलन, जिसे दुनिया नहीं जानती, नहीं समझती, जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो आज आ रहा है हमसे मिलने के लिए, तो अपने मन की तैयारी करनी है इसके लिए, तो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस रूहानी खुमारी के बारे में, इस रूहानी नशे के बारे में, इस इलाही दीने इलाही, अकबर ने एक नया धर्म स्थापित किया था कभी, दीने इलाही जिसको नाम रखा था, इलाही अर्थात ईश्वर से संबंधित, खुदा से संबंधित, तो हमारी भी ये कैसी मस्ती है, इलाही खुमार, इलाही मस्ती है, तो क्या करना चाहिए इस मस्ती को चढ़ाने के लिए या इस मस्ती को बढ़ाने के लिए, उसकी हम कुछ बातें देखेंगे। तो ये मस्ती कब से चढ़े, सबसे पहला तो है अमृत वेला, पूरी दिनचर्या की ऐसी कुछ बातें हम देखेंगे कि जिसमें हमें अपने आप को नशा चढ़ाना है, या जिस समय यह नशा बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, और सबसे पहला समय है, सबसे पहली बात है अमृत वेले का समय, कापारी खुशी हो, कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको यहां से परम धाम तक, कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको नाखून से चोटी तक, कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको, तुम्हारे रोमांच खड़े होने चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको, नस फट जानी चाहिए तुम्हारे दिमाग की, अभी तक फटी क्यों नहीं, कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको, आहा से आहा तक कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको, खग्गिया मारते रहो खुशियों में, कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको, बात मत पूछो, कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको, तुम डांस करते रहना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको, जैसे कोई पत्नी है जिसका पति कहीं बाहर गया है, अभी पति वापस आया, गलियों से बावरे में चल फिरती है, भागते भागते आती है, इतनी खुशी तुमको होनी चाहिए, बाप से मिलने के लिए ऐसे जाना चाहिए। तो आज शाम को आबू रोड में कैसे जाएंगे, जैसे कोई पत्नी है जिसका पति आया है, बावरी हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, चप्पल एक तरफ, बाल एक तरफ, और भाग रही है, जैसे दिखाया है सम्राट अकबर, अकबर बादशाह एक बार जंगल जा रहे थे, नमाज का समय हो जाता है, नमाज पढ़ने बैठते हैं,
अपना वो डाल के, और वहां से एक स्त्री भागी भागी सी, उनको पता भी नहीं कौन है, धक्का लगा के जा रही है। वो तो नमाज पढ़ रहा है उस टाइम पे, तो कुछ नहीं करता है, बाद में कहता है देखता हूं इसको आने के बाद। और फिर वो भागती भागती जा रही है, भागती भागती जा रही है, और फिर वापस आती है थोड़ी देर के बाद। तब तक अकबर उसका इंतजार करता है, ये कौन है। उसको पूछता है तुम्हें चलने की भी तमीज नहीं है, तुमने देखा नहीं मैं यहां इबादत कर रहा था। वो कहती मुझे तो पता ही नहीं, वहां मेरा प्रेमी आया था, मैं उससे मिलने भाग रही थी, और मुझे तो पता ही नहीं कौन कहां बैठा है। और वो तुम उससे पूछती है तुम क्या कर रहे थे, वो कहती है अल्लाह की इबादत। तो कैसा प्यार है तुम्हारा कि ये सब याद रहता है, ये सब दिखता है तुमको कि किसने धक्का लगाया। तो शाम को कैसे भागेंगे, बावरी तो अमृत वेला स्वयं को खुशी में लाना है, खगिया मारनी है, खुश होना है, खापारी खुशी हो, गदगद हो। तो सबसे पहला नशा जो चढ़ाना है, या अमृत वेले का नशा अपने आप को चढ़ाना है कि अमृत वेला वो समय है। ये केवल एक दिन का मिलन नहीं है, सदा का मिलन है, और रोज उसी अनुभव में स्थित होना है अमृत वेला। इसलिए किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में अमृत वेला मिस ना हो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के इन्वर्टेड कॉमा, जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः ही महान बन जाते हैं, जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः ही महान बन जाते हैं। उन्हें महान बनने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता है, और जो समय को नष्ट करता है वो उसको समय एक दिन नष्ट कर देता है। इसलिए बच्चे गफलत नहीं करो, एक एक सेकंड यूज करो। कहीं पर भी हमारी दिनचर्या, हमारा समय वेस्ट ना हो। दो ही चीजें करनी, एक अपनी ड्यूटी, अपनी सेवा, अपना कर्तव्य, वो जैसे ही पूरा हो गया ज्ञान योग में डूब जाओ बस, और कुछ नहीं करना है तुमको। इधर उधर यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, यहां क्या बन रहा है, वहां क्या बन रहा है, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको मिलूं उसको मिलूं, कहीं किसे मिलना नहीं है, कहीं से किसे बात करने की आवश्यकता नहीं। आज की मुरली में कम बोलकर ही सारे दिन भर अच्छे काम अच्छे से अच्छा हो सकता है। बिना कम बोले ही बहुत सारे काम हो जाएंगे तुम्हारे दिनचर्या में। आज बोला है साकार मुरली, बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है। वहां से निकाल के अपने वहां लगा देना, ऑफिस में दीवार में। कम से कम बोलकर अधिक से अधिक काम किया जा सकता है। भगवान उवाच आज की तारीख 15 नवंबर। रात्रि से तैयारी करके रखनी है। सबसे बड़ी माया रात को ही आती है, सोने से पहले, सोने से पहले। अगर सोने के पहले का समय ठीक कर दिया जाए तो अमृत वेला ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला नशा चढ़ाना है स्वयं को, अमृत वेले का नशा। दूसरा नशा है ब्रह्मा भोजन का नशा। जो भोजन हम खा रहे हैं ये बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र, इसी भाव से उसे स्वीकार करना है कि ये जो भी है, जैसा भी है, ये बहुत शुद्ध है, बहुत प्योर है, और ये खाते खाते इस भोजन से मुझ आत्मा में प्यूरिटी भर रही है, प्यूरिटी के संस्कार आ रहे हैं, नए प्यूरिटी के संस्कार। जो मेरी अपवित्रता है वो इससे भस्म हो रही है। इस महान, इस श्रेष्ठ संकल्प के साथ भोजन को स्वीकार करना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति। भगवान के वचन गीता में है, कोई मुझे पत्र देता है, पुष्प देता है, फल देता है, तोयम जल देता है, तो मैं उसे अनन्य भाव से स्वीकार करता हूं। पर मुझे अर्पित करे, स्वीकार करा के ही उसको खाना है। सीधा टूट नहीं पड़ना है उसके ऊपर, बहुत टेस्टी है, आक्रमण नहीं कर देना है उसके ऊपर। ये खाते खाते नशा हो, मुरली लगी हुई है उधर भंडारे में, 16 फरवरी 1988। ये दुख भंजक भोजन है, इसमें दुआ है और दवा भी है। इसमें दुआ है, दवा है। यज्ञ का एक एक कणा कैसा है, मोहर के समान है, इसे वेस्ट नहीं करना है। हमारी वजह से कोई भी भोजन वेस्ट ना हो,
चाय भी हो, कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज हो, हमारी वजह से वेस्ट ना हो। ये दूसरी बात है कि दूसरे वेस्ट कर रहे वो हमारे ऊपर नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा कंट्रोल केवल अपने ऊपर है। इतना लेना ही नहीं है कि जितना हम खाए ही नहीं, इस डर से ले लेते हैं कि कहीं खत्म ना हो जाए। डालने वाले डाले भले, तो उसको अलग से निकाल भी सकते हैं। तो कोई साथी को ढूंढो जो मिर्ची ज्यादा खाता है, उसको दे देना। तीसरा नशा है पुण्य कर्मों का नशा। ऐसे कर्म करने, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बच्चे तुम्हें दैवी कर्म करने, भ्रष्ट कर्म करना बंद करो। कल की साकार मुरली, एक दिन आएगा गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारा म्यूजियम होगा, अगला उनसे जाकर कहो अब ये विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। अब ये विकारी धंधा क्या करो, बंद करो। मूल विकार है, आज की मुरली में आया है ये। शायद ऐसे वाक्य बहुत कम आते हैं। सबसे मूल विकार है ये काम आज की। तो आप कौन से कर्म करने, दैवी कर्म करने। दैवी कर्म करो, भ्रष्ट कर्म करना बंद करो, विकारी धंधा बंद करो। कल मुरली और आज कहा विकारी, ये मूल विकार है, बस इसी को जीतना है। इसको जिसने जीता वो जीत गया। भगवान के वाक्य है ये। कभी लगता है ये एक ही विकार के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, हमें तो बाकी भी बहुत है, ये तो है ही नहीं, काम तो है ही नहीं, ये बाकी हमें ज्यादा है। और भगवान जब देखो तब काम 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 काम, पर वो कह रहा है तो जरूर कोई ना कोई राज है। काम का अर्थ कामना से भी है, सूक्ष्म कामनाएं, सूक्ष्म कामनाएं, एक्सपेक्टेशंस, इच्छाएं, अपेक्षाएं दुखी कर देती है आखिर में। तो पुण्य कर्म का नशा, तो सारे दिन भर पुण्य कर्म करने, श्रेष्ठ कर्म करने, महान अलौकिक कर्म करने, भ्रष्ट कर्म करने, ऐसे कर्म नहीं करने कि जिसके लिए पश्चाताप करना पड़े चार घंटा बैठकर, फिर दूसरे दिन माफी मांगना पड़ेगा, भीख का कटोरा लेके बाबा के सामने दे दो दे दो दे दो। आध्यात्मिक दरिद्रता, रूहानी गुर्बत, उसके बाद में चौथा नशा ईश्वरीय परिवार है। इस परिवार का नशा, और इस परिवार में सबके बीच में रहना है। आज का इधर हंस भी है, बगुले भी है, सब है। एक महत्वपूर्ण नियम है, प्रेम सबसे है परंतु फिर भी हम सबसे डिटैच्ड। इस ईश्वरीय परिवार में रहने का नियम एक है, क्या, न्यारा, सबसे न्यारापन। जो बहुत ज्यादा प्यारा बन गया है और अटैच हो गया है लोगों से, वस्तुओं से, तो फिर उसको दुख है, होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस, और एक्सपेक्टेशन जरूरी नहीं है यहां पूरी होगी। ये अध्यात्म का रहा का मार्ग है, किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। कोई दे रहा है तो ठीक, कोई सहयोग कर रहा है तो ठीक, बाकी किसी से ना सहयोग चाहिए ना किसी से कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इस परिवार में किसी से। ये एक ही नियम है, जिसको फॉलो करो तो आराम से ये ईश्वरीय परिवार बड़ा प्यारा लगता है। अगर इसको फॉलो ना करो तो यहां एक एक शत्रु दिखाई देता है। ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है, सारे पता नहीं जन जन के सारे शत्रु इकट्ठे हुए हैं यहां पर परिवार में। आज की मुरली में हिसाब भी तुम्हारा अच्छे से चुकतू हो जाएगा, खुशी में रहो, वहां तो दुख की कोई बात नहीं है, यहां हिसाब तो आएगा पर खुशी खुशी से चुकतू कर दो। बीमारी आएगी, वहां तो बीमारी की बात नहीं, यहां बीमारी है, यहां हिसाब है, चुकतू कर लो इस बीमारी को, पर खुशी नहीं जानी चाहिए। तो इस परिवार में नो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी, जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी, किसी से कुछ भी मांगना नहीं, किसी से कुछ भी चाहिए नहीं। कोई दे दे, कोई सहयोग करे तो बहुत अच्छा, ना तो प्यार मांगना, ना स्तुति, ना प्रशंसा, ना हमदर्दी, ना केयर, ना अटेंशन, ना शक्ति, ना सुख, ना शांति, ना प्रेम,
कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, ना किसी तरह का सहयोग, ना कोई मदद, ना कोई वस्तु, कुछ भी नहीं। तो ये जीवन निश्चिंत और सुखी रहेगा, और चाहिए चाहिए रहा तो दुखी दुखी रहेगा कि जो चीज हमको चाहिए रहती वही नहीं मिलती है। छोड़ दो चीजों को, अपने आप मिल जाएगी। वो तितली होती है ना, भागो तितली के पीछे और भागती है, शांति से बैठे रहो यहां आके बैठ जाती है। ऐसे करना है। तो चौथा नशा परिवार का नशा, उसके बाद में अविनाशी कमाई का नशा। निरंतर ये सोचना है हमारी अविनाशी कमाई हो रही है, पूरा दिन भर ऐसा अनुभव हो कि कमाई बढ़ रही है। कितनी खुशी होती है दुकानदार को, दिन भर कस्टमर आ रहे हैं, वो बताएगा नहीं पर अंदर ही अंदर दो दुकान है, एक दुकान में कोई नहीं जा रहा है, एक दुकान में लोग आ ही रहे। वो बताता नहीं है कि मुझे, पर अंदर ही अंदर पानी आ रहा है, क्या बताऊं कैसे बताऊं, इतनी खुशी अंदर हो रही है। अविनाशी कमाई, यहां पर भी हमारे पास हमको अविनाशी कमाई हो रही है। ये सोचते रहना है कमाई हो रही है, कमाई हर चीज हर पल ही कमाई है। खुशियों भरा जीवन हर पल ही कमाई है। उसके बाद में ज्ञान मुरली का नशा, ज्ञान मुरली का नश। आज कहा ज्ञान अमृत का ग्लास पीते रहो तो अपने आप को नशा चढ़ाते रहना है मुरली का, कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे वाक्य उसमें आ रहे हैं, कौन सी बातें उसमें आ रही है, उसमें से पॉइंट्स निकालने, उसमें से टॉपिक्स निकालने हैं रोज की मुरली से। और एक को नहीं, खाली सुशील भाई नहीं निकालेंगे रोज, हर एक को निकालने हैं रोज की मुरली से, टॉपिक्स निकालने। जैसे आज की मुरली से लॉटरी, स्कॉलरशिप, कारुण का खजाना, संतुष्ट मनी, सबसे संतुष्ट रहो, मनसा में, बोल में, संबंध संपर्क में, कर्म में, तो गोल्डन पुष्पों की संतुष्टता के वर्षा तुम्हारे ऊपर होगी। अभी बनोगे और सतयुग में बनोगे और भक्तों के पास बनोगे। तीन चीजें क्या क्या मंजूबिन, भक्तों के सिमरन का, मन का, और राज्य अधिकारी, और अभी अभी क्या बनोगे, जो संतुष्ट मणि है वो अभी क्या बनते हैं? हाँ नहीं, संतुष्ट मणि अभी क्या बनते हैं? बाप दादा के गले का हार, यहां हार, फिर अधिकारी, और फिर मन का सिमरन का भक्तों के। तो नशा हो किसका? इस ज्ञान का, इस मुरली का। उसके बाद है खुशी, हैप्पीनेस। हमें जो खुशी मिली है, बाबा ने कहा ऐसी खुशी और किसी को भी नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग की जो खुशी है वो अल्पकाल की है, हड्डी सुख उसमें नहीं है। हड्डी सुख यहां है, वो आर्टिफिशियल सुख है। तुमको खुशी मिली है, तुम्हारे जैसी खुशी और किसी को हो ही नहीं सकती है, क्योंकि तुमको बाप मिला है। तो जिगरी खुशी, हड्डी खुशी तुमको ही, इसका नशा हो कि ऐसी खुशी और किसको हो सकती है। तो अपनी खुशी को, अपनी खुशी की अपने आप तारीफ करते रहना है अंदर ही अंदर। वाह 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 वाह, ख्याली पुलाव बनाना है, दीवा स्वप्न, मेरे जैसा कुछ कोई भी नहीं है, सोचना है अंदर ही अंदर। उसके बाद में दिव्य गुणों की धारणा। आज की मुरली पूरी गुन गुन गुन, कितनी बार गुण ग्राहक बनो, अवगुण धारण नहीं करो, गुणों को धारण करो, गुणों को फूको। जो गुणवान है वो ही गुणों को फूक सकते हैं। गुणों की भट्टी करनी है, एक एक हफ्ता बीच बीच में एक कोई भी गुण उठाना है, जैसे कि डिसिप्लिन, अनुशासन, आंतरिक अनुशासन, इसकी भट्टी करनी है। दूसरा गुण टॉलरेंस, सहनशील, भट्टी करनी है उसके ऊपर। भट्टी करना अर्थात केवल रिपीट करने से कुछ नहीं होता है, सोमान
जब तक उस समान का चिंतन नहीं किया जाए कुछ नहीं होता है। मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, शुरुआत के लिए ठीक है, जो बहुत डिस्टर्ब है व्यक्ति उसके लिए वो ठीक है इनिशियल स्टेजेस पर, जो अध्यात्म में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए केवल रिपीटेशन से कुछ नहीं होगा, उनको चिंतन करना होगा। हाँ, नींद नहीं आ रही है, डिस्टर्ब हो गए हैं बहुत, लिखो 108 बार तो माइंड शांत हो जाएगा। पर और आगे जाना है तो वहां चिंतन चाहिए, खाली लिखने से या रिपीट करने से, वो तो भक्ति मार्ग में होता है, केवल उससे नहीं होगा, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। तो दिव्य गुणों की भट्टी करनी है, चार प्रकार की भट्टी है, ज्ञान की, योग की, गुणों की और सेवा की। सेवा की निरंतर चालू है, दिव्य गुणों की करनी पड़ेगी, योग की करनी पड़ेगी, ज्ञान करते रहते हैं परंतु ज्ञान की भट्टी अर्थात चिंतन चाहिए, उसमें शेयरिंग चाहिए, आपस में लेन देन ज्ञान की। उसके बाद में एक दूसरा नशा है, संतुष्ट मणि का नशा, जो आज के वरदान में कहा है कि मैं आत्मा संतुष्ट हूं। जैसे वो छोटा भाई, कम चीज थी और जो चीज थी वो भी चली गई, उसके बाद तो और ज्यादा सुखी हो गया। जब जब चीजें, वस्तुएं, व्यक्ति जीवन से गुजर जाएंगे, निकल जाएंगे, ज्यादा खुश होना है। क्यों क्यों खुश होना है? वस्तु है अभी, ये चली गई, ये थी ये भी चली गई। जब जब जो जो चीज जाएगी, खुदा अगर एक दरवाजा बंद करता है तो सौ खोलता है, सौ खोलता है। इसके लिए किसी के रहने न रहने, जाने न जाने से कुछ नहीं होता है, हमारी खुशी कायम रहे। उसके बाद में स्वर्ग की बादशाही का नशा, उसके बाद में क्या मिलने वाला है, कहां हम जाने वाले हैं, जिस दुनिया में जाने वाले हैं उस दुनिया का चिंतन। दादी गुलजार दादी का वो जो दो ऑडियो है, दो क्लासेस है सतयुग के बारे में, बार बार सुनना है उन दो क्लासेस को। बहुत सारी बातें रिपीट है पर इतनी अच्छी चीजें है उसमें कि वो नशा चढ़ाती है वो क्लास, कि वहां ऐसा होगा, वहां वैसा होगा, वहां वैसा होगा, वहां वैसा होगा। कितने दादी से पूछ रहे, दादी वहां ये होगा क्या, दादी वहां वो हो गया क्या, दादी कहती है हाँ 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 ठीक है वो होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा क्लास तो सुनते रहना है। दादी वहां चीनी होगी क्या, दादी कहती है ना चीनी नहीं होगी। दादी वहां घड़ी होगी क्या, दादी कहती है नहीं, दिन रात होगा क्या, हाँ हाँ वहां का देखा समाचार, आंखों देखो, देखना है सतयुग को, तो सतयुग के बारे में पढ़ते रहना है, उसका भी नशा है। उसके बाद में प्रभु प्रेम का नशा, ऐसा नशा और किसी को भी नहीं है जैसा हमको है, ये नशा, ये खुमार, किसी को पता ही नहीं भगवान कौन है तो प्रेम कहां से करेगा। वो जो प्रेम करते हैं वो उसे पता नहीं किससे प्रेम करता है। जैसे कोई व्यक्ति यहां भारत में दिल्ली में बैठा है और उधर कहीं दूर, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका में एक व्यक्ति है, उसको ये व्यक्ति रोज गिफ्ट भेजता है, ठीक है। अब उसको ये नहीं पता ये गिफ्ट आ कहां से रहा है, इसको पता नहीं है कहां से आ रहा है, तो वो सोचता है ये कहां से आ रहा है, तो वो एक कॉकरोच को ढूंढता है और कहता है ये इसकी कृपा से मुझे ये गिफ्ट आ रहा है, और कॉकरोच की पूजा चालू कर देता है यहां बैठकर। अब इसके प्रति संपूर्ण समर्पण भाव है इसका, कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही देवता हो, तुम ही सब कुछ। फिर उसकी मूर्ति बनाई, फिर एक सांप्रदाय चालू हुआ, फिर मूर्ति मूर्ति मंदिरों, बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़ी मूर्तियां है, फिर उसकी पूजा होती है, पूर्ण समर्पण भाव है, फिर उसके व्रत नियम, फिर किसी ने ग्रंथ भी लिख लिया, कॉकरोच देवता है भव, फिर उसकी संस्था और बहुत बड़ा एक स्टैब्लिश हो गया, सब आ गया इसमें। फिर वहां उसके अंदर अलग भिन्न भिन्न सांप्रदाय, हम इस कॉकरोच को नहीं, हम उस कॉकरोच को मानते, कॉकरोच में भी दो सांप्रदाय बन गए। तो अभी ये जो कर रहे हैं इनको कहेंगे कि ये इसको जानते, बेचारे इसको क्या लगे। इसलिए तो भगवान इज राइट जब वो कहता है कि तुमने मुझे सर्वव्यापी बना दिया, तुमने मुझे ये पत्थर भीतर में, हम कहते क्या प्रॉब्लम है तुमको, बट प्रॉब्लम है क्योंकि तुम किसकी महिमा कर रहे हो, इसलिए उसको प्रॉब्लम है। हर चीज में सर्वव्यापी में उसको प्रॉब्लम है, उसको उसका नाम उसमें डाल दिया, मैंने किताब पब्लिश की, मेरी लिखी हुई और नाम उसका,
एकदम यहां तीर लगाए प्रभु प्रेम, और इस प्रेम को बढ़ाते जाना है। और आज प्रभु मिलन का दिन है, तो सारे दिन भर जितना हो सके अंदर ही अंदर बैठकर मन की गुफा में, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर बाबा को याद करते रहना, धन्यवाद देते रहना, आह्वान करते रहना, इस प्रेम को बढ़ाना है, ताकि शाम तक प्रेम की ये सरिता क्या बन जाए, उफान में आ जाए नदी में उफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, उसके बाद में मधुबन, अगला नशा मधुबन का नशा, मधुबन की खुमारी। चाहे मधुबन कोई ज्योग्राफिकल डेफिनेशन नहीं है मधुबन की, ये माउंट अबू है, ये सिरोही, ये राजस्थान और ये मधुबनिया, मधुबन केवल इतना ही नहीं है, भौगोलिक परिभाषा नहीं है, मधुबन कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, मधुबन निराकार है, हर वो स्थान जहां भगवान आते हैं मधुबन है, हर वो स्थान जहां ज्ञान मुरली चलती है मधुबन है, हर वो स्थान जो पवित्र है मधुबन है, हर वो स्थान जहां पर धारणाएं हैं, श्रीमत है, मर्यादाएं हैं, वो सब मधुबन है एक रीति से, और दूसरे रीति से स्थूल मधुबन। तो मधुबन का भी नशा, मधुबन आने का नशा, मधुबन की इस भूमि में पैर रखने का नशा, मधुबन के चार धाम का नशा, इसलिए जो यहां रहते हैं वो भी और जो बाहर रहते हैं वो भी 24 घंटे में कम से कम दो बार मन से मधुबन की यात्रा करनी है, अपने कमरे में बैठकर मधुबन में जाना है, बिना जाए कि मैं शांति स्तंभ पे हूं, हिस्ट्री हॉल में हूं, बाबा के कमरे में हूं, कुटिया में हूं, फिर आंगन में हूं, वापस कमरे में। यह अभ्यास कहीं से भी किया जा सकता है, हो सकता है कोई मधुबन में ही रहता है और मधुबन से कोसों दूर है, मन से भगवान के सामने बैठा है परंतु बहुत दूर है, फासले बहुत है, और कोई बहुत दूर बैठा है सात समुंदर पार फिर भी भगवान के नजदीक है, यह भी हो सकता है, इसके लिए मधुबन का। उसके बाद में नवजीवन का नशा, न्यू लाइफ का नशा, हमें यह नया जीवन मिला है, इसमें सब कुछ नया है, पुराना इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, नाखून भी उधर नहीं जाना चाहिए तुम्हारा, ये जो है ना ये तुम्हारी सीमा रेखा है, अभी तुमने जन्म लिया ना यहां, उधर क्यों जाते हो, उधर इतना सा नाखून भी नहीं जाना चाहिए, इधर बैठे तो पूरा पल्लू भी उधर नहीं जाना चाहिए, कल की मुरली में था अच्छे अच्छे महारथी जो अच्छे अच्छे जो अपने आप को महावीर समझते हैं उनको भी माया पकड़ लेती है, बड़े ते बड़ी बॉक्सिंग है ये माया के साथ। दोनों दिन था, परसों था तुम्हारे नाक में माया दम कर देती, और कल की मुरली में था रावण राज्य में तुम्हारे नाक में दम हो गया था, कल की मुरली में भी था कारून का खजाना, आज की मुरली में भी है कारून का खजाना। तो नवजीवन, उसके बाद में सारी मर्यादाएं और सारी श्रीमत का नशा, ऐसी श्रीमत ऐसी मर्यादा और किसी के पास भी नहीं है, इतने धर्म है संसार में, सब धर्मों के बड़े बड़े संविधान और संविधान आचार संहिता है, एक एक धर्म की आचार संहिता देखो कितनी बड़ी बड़ी है, तोरा कमांडमेंट्स, यहूदी ईसाई उसमें इतने अलग अलग अलग, जैन धर्म की आचार संहिता देखो कितनी लंबी आचार संहिता है, ये करो वो नहीं करो, ये करो वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, यहां नहीं बैठना वहां नहीं बैठना, अपने हाथों से अपने बाल को खींचते और निकालते, बाबा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बाप बच्चे को जलाएगा क्या, मैं तो तुमको आराम देने आता हूं, कोई तकलीफ नहीं देता हूं, बहुत तुमको आराम से ले जाता हूं पलकों पे बिठा के, सहज राजयोग, ये अग्निपथ है ब्रैकेट में सहज राजयोग, यहां तुमको झुकना है मरना है सीखना है, सिक सिक झुक झुक मरमर ब्रैकेट में अति सहज राजयोग, यहां तुम आए हो मरने के लिए, बाप आए हैं तुम्हें मारने के लिए, नीचे अब मरो, नीचे सहज राजयोग हाँ?
उसके बाद में प्यूरिटी, पवित्रता का नशा, प्यूरिटी का सबसे ज्यादा नशा है। अखंड प्यूरिटी लंबे समय तक रहे तो अपने आप व्यक्ति जो जो बोलेगा वो शास्त्र बन जाएगा। प्यूरिटी में वो पावर है, क्योंकि संसार में प्यूरिटी है ही नहीं, प्यूरिटी का अकाल पड़ा है, अकाल है, अकाल कहीं है ही नहीं प्यूरिटी, किसके पास भी नहीं। हर मन अपवित्र है, हर मन में वासनाएं भरी है, कहां शुद्ध विचार है, किसके पास, कहां से लाएंगे, शास्त्रों से, शास्त्र ही तमोप्रधान है, कहां से लाएंगे, धर्म से, धर्म ही तमोप्रधान हो चुके हैं। अब प्यूरिटी का नशा, उसके बाद में सारे प्रश्नों से हम पार जा चुके हैं, इसका नशा, कोई प्रश्न नहीं। आज की मुरली में है शांत रहो, कोई कंप्लेंट नहीं, ऐसे बच्चों की, ऐसे बच्चे कोई किसी से कंप्लेंट नहीं कर सकते, किसी की कोई कंप्लेंट ही नहीं है, सब ठीक है। कल की मुरली में था लोगों को गुस्सा नहीं आएगा, कब, धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर टू, ड्रामा, ड्रामा फिक्स है, एक्यूरेट है, इसमें कुछ भी भूल नहीं हो रही है, ये याद रखो। कहां याद रखो, दिमाग में याद रखो, समझाओ, कल कहा ना दिमाग को समझाओ तो गुस्सा नहीं आएगा। तो कोई प्रश्न नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है किसी के बारे में, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको जरा ठीक करो बाबा, आधा योग तो उसी में जा रहा है, बाबा इसको ठीक करो आप, बस आधा, इसका कुछ भी करो, मेरा नहीं गया, मैं आगे नहीं बढ़ा तो चलेगा, पर इसको पीछे करो भाई, मैं मिट गया तो चलेगा, पर ये आगे नहीं जाना चाहिए, बस सारा योग उसी के लिए, खींचने के लिए दूसरों को। इतने सब लोग तो जाते हैं बाबा दुनिया में, ये क्यों नहीं जाता है अभी तक, पता नहीं क्यों रखा है इसको। तो मुक्ति, मैं मुक्ति दाता हूं, सोमान। उसके बाद में सर्व संबंध बाप से, इसका नशा, रिलेशंस का, एक ही से सारे संबंध है, और दूसरों से किसी से कोई संबंध नहीं है, वो ऊपर ऊपर से खाली तोड़ नहीं पा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है उसमें, उसमें लगाव वाले संबंध नहीं है, आसक्ति वाले संबंध नहीं है, आज है कल वो नहीं भी रहेंगे तो भी ठीक है। तो सारे संबंध एक से, उसके बाद में अतीन्द्रिय सुख का नशा, गोप गोपियों को पूछो, कल भी था और आज भी है शायद, अतीन्द्रिय, ये पिछड़ी का गायन है, पर ये अभी अनुभव करना है हमें, अतीन्द्रिय सुख अभी होना चाहिए, और अतीन्द्रिय सुख तभी होगा जब इंद्रिय सुखों से वैराग होगा। इंद्रिय सुख भी चाहिए और अतीन्द्रिय, एक कप में चाय भी चाहिए, कॉफी भी चाहिए, एक कप में दूध भी चाहिए और दही भी चाहिए, एक कप में अमृत और विष एक साथ कैसे होगा, एक ही मिलेगा एक कप में, इंद्रिय सुख मिलेगा या अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। जिनको अतीन्द्रिय सुख की कामना है उसको इंद्रियों को नीचे छोड़ना पड़ेगा, सुखों को, और ये इंद्रियों के सुख सारे एडिक्टिव है, एक बार चख लो तो पीछा नहीं छोड़ते, और डिमांड करता है शरीर, और चाहिए और चाहिए, वही चाहिए, वही अच्छा लगता है उसको। इसके लिए कहा ना, काम मूल विकार है, आज की मुरली में सबसे खराब है, बड़ा खराब है, मूल शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है, महाशत्रु है, कड़ा शत्रु है, कितने शब्द आए अलग अलग जगह पर, क्योंकि ये एडिक्शन क्रिएट करता है, लत, तुमको लात और तात एक ही चीज की होनी चाहिए, आज की मुरली की लास्ट लाइन, ये सब चीजों की नहीं, अतीन्द्रिय सुख की। तो अतीन्द्रिय सुख का नशा, उसके बाद में सारे खजानों का नशा, इतने खजाने मुझे मिले और किसी के पास इतने खजाने नहीं है, अपने आप को नशे में रखना है। उसके बाद में बेहद की दृष्टि और वृत्ति, हमें भगवान ने वो दृष्टि दी है जो संसार की किसी के पास भी नहीं है, हम वो सारी चीजें देख पाते हैं जो दुनिया वाले नहीं देख पाते। उसके बाद में वरदानों का नशा, सारे वरदान मुझे मिले, जैसे आज की मुरली में कहा संतुष्ट मणि भव, तो अनुभव करना है। आइए एक अच्छा अभ्यास है, आज शाम को जब बाबा के सामने बैठेंगे तो गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही है ऊपर से, संतुष्ट मणि की गोल्डन पुष्पों की वर्षा मुझ पर पूरे डायमंड हॉल में हो रही है, और सबसे ज्यादा मुझ पर हो रही है उसमें। सबसे ज्यादा मुझे खुशी हो रही है, इसमें स्वार्थी बन जाना है।
कोई कहे कैसे, तो कहना तुम वो जितनी खुशी है ना तुमसे डबल मेरी खुशी है, ये उत्तर देना है। तुम जितने भाग्यशाली हो उससे मैं डबल भाग्यशाली, तुम्हारा भाग्य तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो फिर तो हमको ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद में विवेक, सर्वश्रेष्ठ विवेक भगवान ने हमको दिया है, विवेक बुद्धि दी है। इस विवेक से हम जान सकते सार क्या, असार क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, सत्य क्या, असत्य क्या, झूठ क्या, सत्य क्या। आज की मुरली में है ना, वो सब झूठ सुख है उधर, यही सच्चा है, वो झूठ है उधर, ये सच्चा है। आज की मुरली में ये भी लाइन है, पूरी मुरली घोट लेनी है, कुछ भी त्यज्य नहीं है, बिना छिलके और बिना गुटली का आम, विनोद भाई, ना उसमें गुटली है ना उसमें छिलका, पूरा ही पी जाना है, खा जाना है, चबा जाना है, हजम कर जाना है। उसके बाद में गिफ्ट्स दिए है, लिस्ट बनानी है बाबा ने हमको क्या क्या गिफ्ट्स दिए, क्या क्या सौगातें दी है। उसके बाद में ये राजयोग सबसे बड़ा योग सिखाया है, और लास्ट हमें सुरक्षा, सर्वोच्च सुरक्षा दी है। तो ऐसी 26 बातें जो करनी है जिसका नशा चढ़ा रहे, और ऐसा नशा दिन रात चढ़ा रहे, क्योंकि ऐसा नशा और किसी को आज तक चढ़ा नहीं था, भगवान ने आके जादू कर दिया हम पर। तो आज अपने आप को तैयार रखना है, कैसे तैयार करेंगे, जितना हो सके मौन, जितना हो सके अंतर्मुखी, जितना हो सके अभी जो साकार मुरली चलेगी सारा दिन भर उस मुरली का चिंतन, जितना हो सके कर्म करते हुए भी रूहानी ड्रिल का अभ्यास। बाबा के सामने शाम को बैठेंगे तो ऐसे बैठना है, ऊपर से गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही है, मैं वहां बैठा हुआ हूं और बाबा का वरदानी हाथ सर पर है, एकाग्र चित्त से ऐसी मुरली सुननी है कि सुन रहे उधर और छप रही है इधर, और जैसी मुरली पूरी हो जाती है तुरंत उस मुरली को ढूंढना है कौन सी डेट है, और रात को सोने से पहले, माइंड वेल, रात को सोने से पहले ही उसको पढ़ के ही सोना है, बिना उसको पढ़े सोना नहीं, क्योंकि वो कल तक छोड़ दिया तो गया, आज के आज ही ढूंढ लेना है कहीं से। भगवान को ढूंढ लिया, मुरली को भी ढूंढ सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो भगवान ने हमको क्या कर दिया है, नशा चढ़ा दिया है, ऐसा खुमार मन में भर दिया है। किसी भाई के साथ जा रहे थे तो ये गीत बज रहा था, वो कह रहा था ये गीत बाबा के लिए बहुत ही उपयुक्त है कि ये रंगीले तूने ये कैसा जादू लगा दिया, पिया पिया बोले मतवाला जिया, बाहों में छिपा के ये क्या किया, ओरे पिया पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, नए है नजारे नए है इशारे, नजारे नए है इशारे नए है, रही ना वो कल वाली दुनिया, सपने देखा के ये क्या किया, ओरे पिया तूने वो रंगीले ये कैसा जादू किया, ओ मेरे साजन कैसी ये धड़कन, शोर मचाने लगी मन में, जैसे लहराए नदिया का पानी, लहर उठे रे मन में, मुझ में समा के ये क्या किया, ओरे पिया तूने ये क्या किया। भगवान को पहले क्या कहा जाता, प्यू 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 अर्थात साजन, वो साजन है, उसने ऐसा जादू कर दिया कि अब सब कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा है, सब बदल गया, नजारे बदल गए, दुनिया बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो बाहों में छिपा के ये क्या किया, तो अपने आप को अभी से तैयार करना है ताकि शाम को जो मिलन हो उसमें ऐसा नशा, ऐसी खुमारी, ऐसा इलाही मस्ती और ऐसा जादू चढ़ जाए कि वो होने के बाद सब कुछ नया नया दिखाई दे। और डायमंड हॉल से निकलने के बाद ये कौन सी दुनिया है, ऐसे होना है क्या, ये वही है जहां जहां से हम आए थे, ये तो नए लोग है, सब कुछ नया, सब कुछ नया। ओम शांति। Yeah।